रंगों का त्यौहार शांति व सौहार्द के साथ संपन्न कराने पर आवश्यक विचार विमर्श हेतु सोमवार को डुमरी थाना में शांति समिति की बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता थाना प्रभारी राजू कुमार मुंडा ने किया। बैठक में दोनों समुदाय के दर्जनों लोग व स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए। बैठक में रंगों का त्यौहार होली शांति व सौहार्द के साथ मनाने की अपील करते हुए कहा गया कि होली आपसी वैमनस्य को भुलाकर आपसी रिश्ते को प्रगाढ़ करने का प्रतीक पर्व है। कहा कि त्यौहार आपस में जोड़ने का काम करता है। बताया कि होली में डीजे बजाने पर प्रतिबंध रहेगा, साथ ही अश्लील व भड़काऊ गीत बजाने हुड़दंग करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं इंस्पेक्टर आदिकांत महतो ने बताया कि डीजे नहीं बजेगी, साथ ही कोई भी ऐसा कार्य नहीं होने दी जाएगी जिससे समाज में विद्वेष फैले और आपसी सौहार्द बिगड़े। बताया कि अवैध महुआ शराब की चुलाई के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत जमुनिया नदी के तट पर काफी महुआ जावा को नष्ट किया गया है, जो क्रम आगे भी जारी रहेगा। इस शांति समिति कर बैठक में सांसद प्रतिनिधि सह जिला उपाध्यक्ष छक्कन महतो, जीप सदस्य भोला सिंह, पूर्व मुखिया राजेंद्र जसवाल, विवेक कुमार, प्रशांत जसवाल, थाना के कई अधिकारी एवं गणमान्य लोग उपस्थित थे। आज डुमरी थाना में शांति समिति की बैठक थी, जिसमें होली और शबे बारात को लेकर के स्थानीय जितने भी हमारे शांति समिति के सदस्य हैं उनके साथ विचार विमर्श किया गया। मुख्यतः इसमें शराब की समस्या और कहीं ऐसे तो हुल्लड़बाजी की कहीं पर कोई शिकायत आज तक की नहीं रही है, यही पृष्ठभूमि ऐसी नहीं रही है डुमरी की, ये कहना है सभी का। लेकिन फिर भी कहीं अगर इस प्रकार की बात होती है तो लोगों से सूचना मिलने पर उस पर हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। शराब के विरुद्ध हम लोग की कार्रवाई प्रारंभ भी हो चुकी है। आज यमुना नदी के किनारे और बेलदारी टोला में छापामारी की गई है, इसमें काफ़ी मात्रा में जावा नष्ट भी किया गया है और हम लोग प्रयास करेंगे कि इस चीज़ को होली तक में शून्य कर दें। साथ साथ दुकान का भी हम लोग नियंत्रण में करने का उपाय करें। डीजे को क्या निर्देश दिया गया सर? डीजे को लेकर डीजे के संबंध में यही है कि डीजे नहीं बजेगा। आज हम लोग चाहेंगे इसके लेकर के थाना प्रभारी मीटिंग में बाहर हैं, हम लोग ये चाहेंगे कि डीजे के संबंध में हम लोग सभी जो जो डीजे वाले लोग हैं जो यहाँ डीजे प्रोवाइड कराते हैं उनसे एक एक अंडरटेकिंग भी ले लें कि हम इस अवसर पर एक निश्चित सीमा से ऊपर का साउंड सिस्टम किसी को नहीं देंगे। डीजे पर प्रतिबंध पूर्णतः रहेगा।